एक ऑनलाइन कैशलेस इनका क्लेम्स होते हैं जो विभिन्न इंश्योरेंस कंपनीज जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बना के रखते हैं लोग, कुछ कंपनीज इट्सेल्फ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और कुछ कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं उन्हें टीपीएस रखे हुए हैं अपने, उन्हीं को अधिकार होता है कि ये ऑनलाइन जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसको कैशलेस रूप से सैंक्शन करेंगे। कई अस्पतालों से शिकायत आ रही थी कि ये इसमें डिले कर रहे हैं लोग, क्योंकि थोड़ा संख्या ज़्यादा होगी, संख्या ज़्यादा होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी की थोड़ी बहुत तो उनके मैनेजमेंट का इश्यूज रहते हैं, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज कि डिले करें, डिले टैक्टिस करें, ज़्यादा जानकारी मांगे, तो इस तरह करके डिले कर रहे थे वो लोग। तो आज सब इंश्योरेंस कंपनीज वालों को बुला के बोला है, उन्होंने क्लियर बोला है कि अगर वो नहीं करेंगे इसको तो जो भी अधिकार प्रदत्त हैं इसमें जिला दंडाधिकारी को, उसमें उनके खिलाफ FIR रजिस्टर कराई जाएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम जल्दी सेटल हो, क्योंकि जैसे ही जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो जब ऑनलाइन जो पैसा आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, उससे बचा हुआ पैसा पे करता है वो, जब इसमें विलंब करती है इंश्योरेंस एजेंसी तो बेड भरे रहते हैं, तो ना केवल अपने पेशेंट परेशान होते हैं, उसका दूसरा असर ये आता है कि अन्य जो पेशेंट शहर के हैं उनके लिए बेड्स वैकेंट नहीं हो पाते हैं। इन दोनों कारणों से जिनकी मीटिंग ली गई थी, अस्पताल के लोग जो इंश्योरेंस के केसेस डील करते हैं वो सारे लोग भी थे, और उनको सख्त चेतावनी दी गई है इन लोगों को कि ये लोग 2 घंटे के अंदर ऑनलाइन जो अप्रूवल्स हैं उनके आने चाहिए, 2 घंटे में नहीं आएंगे, इसमें लिखित आदेश भी जारी कर रहे हैं। तो इनके न केवल इंदौर में स्थित इनके जो अधिकारी हैं इंश्योरेंस कंपनीज के या TPS के, वरन इनके जो रीजनल ऑफिसेज हैं चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, हम इंदौर में उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करने का FIR रजिस्टर करेंगे उनके खिलाफ। सर, सबसे अधिक शिकायतें किसके खिलाफ? एक स्टार हेल्थ कंपनी है, वो TPA भी खुद ही है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी खुद ही है, उसके डिले की शिकायतें सबसे ज्यादा थी। उनके जो प्रतिनिधि आए थे उनको स्पष्ट तौर पर समझा दिया गया है कि क्रिमिनल केस से बचे हो और 2 घंटे के अंदर अप्रूवल दें, ये बोला गया है कि मैं आदेश जारी कर रहा हूँ, अपने मालिकों को भेजें और उनको भी समझाएं स्पष्ट कि ये 2 घंटे के अंदर अप्रूवल होना चाहिए, और नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, एक 450 MTH में जो आपने संख्या बेड की बोली उतनी ही है। आज शाम को हमारे 40 ICU और 90 नॉर्मल बेड जो ऑक्सीजन वाले रहते हैं वो हमारे तैयार हो जाएंगे, 130 करीब हमारे बेड्स मिल जाएंगे, और 2 दिन के बाद हमको लगभग 100-150 बेड्स और मिल जाएंगे। ग्रेजुअली 7-8 दिन में जो 450 आपने संख्या बोली है उसको येलो और रेड दोनों कैटेगरी में ले जाएंगे, कि विशेष है या गोकुल दास है उस कैटेगरी में उसको डेवलप कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ने आकलन किया है इंदौर शहर में जो टेस्टिंग का आंकड़ा है वो लगभग 2000 सैंपल्स और टेस्टिंग प्रति मिलियन हो रही है, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 2000 टेस्टिंग ऑब्लिक सैंपलिंग ऑब्लिक टेस्टिंग पर मिलियन का जो आंकड़ा है ये देश में सबसे ज़्यादा है। जो इंदौर में टेस्टिंग के जो रेट है, जो हम लोगों ने सैंपलिंग की है पर मिलियन में, वो इससे ज़्यादा आंकड़ा किसी शहर का नहीं है पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में। इसी वजह से हम लोग आइडेंटिफाई करने में सफल हुए हैं केसेस को, अलग अलग मोहल्लों में जो केसेस आए हैं वो सफल हुए आइडेंटिफाई करने में। उन मोहल्लों में सतर्कता जो बरतनी थी हम लोगों को, सैनिटाइजेशन की और उसको कंटेनमेंट की और परिमीटर डिफाइन करने की और बैरिकेटिंग की, वो हम लोगों ने किया है। सुबह शाम सैनिटाइज हो रहा है। इंदौर के बाद केवल जयपुर आता है जिन्होंने 1800 सैंपल्स प्रति मिलियन का सैंपलिंग और टेस्टिंग की है। तो इंदौर की जो एक्सेसिव सैंपलिंग हुई है इस वजह से डेफिनेटली पॉजिटिव संख्या ज़्यादा आएगी, पर पॉजिटिव संख्या ज़्यादा आने से ही आइडेंटिफिकेशन हो पाया है इंदौर में। तो ये भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे UK का आप ले लें, अमेरिका इंग्लैंड का हमारा 2800 करीब का है, 2800 टेस्टिंग पर मिलियन, मतलब पर 10 लाख। स्पेन हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इनका सबका 2200 करीब का है। इस समय इंदौर में जो टेस्टिंग हो रही है, सैंपलिंग हो रही है, डे वन से हम लोगों ने कभी इसको रुके नहीं, हम लोग सैंपलिंग टीम्स बढ़ाई हम लोगों ने और इतनी सैंपलिंग कर दी हमने। थोड़ा रिपोर्ट जरूर आने में समय लगा क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे यहाँ अभी कम थी, अब 600 करीब हो जाएगी 2-3 दिन में इंदौर में भी, 600 टेस्टिंग पर डे। अरविंदो का भी टेस्टिंग वाले अप्रूवल ICMR का आ गया है, सेंट्रल लैब का भी आ गया है 50 का, मेडिकल कॉलेज में 200 बढ़ने वाला है 1-2 दिन में, सब मिला के 600 तक चली जाएगी संख्या। तो हम लोगों ने सैंपलिंग बहुत की, टेस्टिंग बहुत कराई, आइडेंटिफिकेशन बहुत किया, लगभग इस समय शहर में 6 लाख से 7 लाख लोगों का सर्वे करा दी है, स्क्रीनिंग करा दी है। जो कंटेनमेंट एरियाज हैं हमारे उसमें 100% स्क्रीनिंग कर ली हमारी टीम्स ने। कंटेनमेंट एरिया के बाहर जो बफर जोन है जिसमें कि निर्देश ये हैं कि उनमें स्क्रीनिंग नहीं करनी किंतु किसी PSC जोड़कर रखना है, उन बफर एरियाज की सर्वे भी हम लोग करा रहे हैं एक कदम आगे बढ़ के। 100% उसकी सर्वे भी 1-2 दिन में हो जाए, 2-3 दिन में हो जाएगा, तो उससे लगभग आंकड़ा हमारा 12 लाख पहुंच जाएगा। ये तो इंदौर में हाईएस्ट लेवल ऑफ सैंपलिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग और वृहद स्क्रीनिंग जो की जा रही है, इसका फायदा अभी 3-4 दिन से हमको दिखने में आ रहा है और उम्मीद है कि 7 से 10 दिन में काफ़ी हद तक इस शहर को एक नॉर्मल सी मिलेगी। पर लॉकडाउन सख्त रहेगा, ये भी मैं जनता से बोलूँगा,
कि अगर ठीक धीरे से ठीक परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं तो लॉकडाउन में कोई शिथिलता नहीं बढ़ रही, बरतेंगे हम लोग। और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है 3 मई तक, तो कम से कम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नगर निगम सीमा क्षेत्र में रहेगा, ग्रामीण एरिया को जरूर धीरे धीरे हम लोग थोड़ा ईज आउट करेंगे।